देखिए अभी हम निधिवन से निकले हैं और निधिवन के इस रास्ते में बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें हैं, तो आप वृंदावन में कुछ तीखा खाना चाहें तो पानीपुरी यहाँ की ज़रूर टेस्ट करें, क्योंकि यहाँ की जो लोकल पानीपुरी है और हमारे यहाँ की पानीपुरी उसमें अलग एक तरह का है, क्योंकि हमारे वहाँ प्याज और लहसुन मिक्स मसाला होता है। यहाँ जो मसाला है बिल्कुल आप देखेंगे आलू से बना हुआ है और बिल्कुल पानी जो है नेचुरल पानी, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार है। मैं मांगू पे किस तरह का टेस्ट आ रहा है? बहुत बड़ा टेस्ट है। किस तरह अपने अपने वाले में जो पानीपुरी है उसमें इसमें क्या अंतर? उसमें अपने यहाँ मसाला बना के टूटते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग, तीन तरह का पानी है अलग और तीनों का स्वाद अलग अलग है। आप ये देखें इधर तीन तरह के अलग अलग नेचुरल जो फ्लेवर हैं वो मिलेंगे। कौन कौन सा भैया, कौन कौन सा स्वाद है जो तीनों में अलग अलग? धनिया है, एक में हींग है और एक में पुदीना है। पप्पू चाट वाले कितने साल पुरानी? ये शॉप तो अभी है, मेरे पिताजी कर रहे हैं 1980 से इसका चाट का काम। हमारे इधर जो मेवाड़ में जो चाट मिलती है और इस चाट में बिल्कुल डिफरेंस है क्या? प्याज लहसुन तो कभी नहीं मिलेगा, यहाँ भगवान का धाम है वहाँ के बिहारी का, तो प्याज लहसुन तो नहीं मिलेगा, खुद तो मिलेगा एकदम। क्या क्या आपके यहाँ मिलता है थोड़ी सी डिटेल? दही बड़ा है, कांजी बड़े हैं, गुजिया है, पापड़ी चाट है और आलू टिक्की चीले, ये सीजन भाई बनते रहते हैं। आलू दम है, जाड़े में आलू दम बहुत बढ़िया बनता है, बहुत बढ़िया। पापड़ी चाट भी? हाँ, खस्ता पापड़ी है। तो ये है, अब निधिवन आए तो निधिवन कौन सा एरिया, थोड़ा सा आपका एड्रेस बता। भजनाश्रम है सामने और पत्थरपुरा है ये जगह, रंगनाथ का मंदिर है इधर राइट को, इधर निधिवन की गली है ये नजदीक। हाँ, और क्या क्या आप वृंदावन आए तो खाने पीने की क्या क्या चीजें? पेड़ा है, लस्सी है और मिठाइयों में राजभोग बहुत जबरदस्त है यहाँ का, मिलेगा यहाँ, मिल जाएगा, भारतीय मिठाई वाले हैं बहुत गजब, राजभोग स्पंज का कहीं जोड़ नहीं है यहाँ जैसा। तो हम राजभोग और लस्सी दोनों का टेस्ट लेंगे और बताएंगे, आप बताएं। हमारे कैमरा मैन है जो अब तक कैमरे के पीछे थे, लेकिन अब कैमरे जैसे ही पानीपुरी खाई और कैमरे के आगे आ गए। क्यों एक्चुअली जलेगा क्यों नहीं यार, बहुत ज्यादा तीखा भी था यहाँ पे, हर दुकान के बाहर लोवान जलती और एक उसकी महक के साथ धूप पत्ती के साथ जो एक महक है वो एक अलग ही स्वाद का अनुभव भी कर रही है। तो यार सबसे ज्यादा खतरा है बंदरों का, ज्यादा खतरा है भैया। बंदर से बच के रहें, मोबाइल चश्मा पर्स जी रखें संभाल के। फ्रूटी की ब्लैकमेलिंग पूरे परवान पे। हाँ, फ्रूटी से छोड़ते हैं फिर ये। फ्रूटी से छोड़ते हैं, बहुत अच्छी बात बताई। तो अभी हम राजभोग पर मिलेंगे और लस्सी पर मिलेंगे, बने रहे। पेड़े हम खा के आए, बाकी बिहारी जी के मंदिर से वहाँ पेड़े खाते हुए हम यहाँ आए, तो बने रहे हमारे।